दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है आईपीएल 2025 को लेके। खबर ये निकल के आ रही है कि आईपीएल देखने के लिए अब आपको पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। जिस तरह से हॉटस्टार, फैन कोड और सोनी लिव नाम के ऐप पैसा ले रहे हैं मैच दिखाने का, और वो भी वैसे मैच जिनको कि बिल्कुल फ्री में दिखाना चाहिए, चाहे वो लीजेंड लीग क्रिकेट हो, चाहे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मुकाबला हो, या और जो छोटी बड़ी लीगें हैं उनको दिखाने के लिए जब पैसा ले रही हैं, तो खबर ये निकल के आ रही है कि जियो सिनेमा भी अब आपसे पैसे चार्ज करेगा आईपीएल दिखने के लिए। जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 2-3-4 साल के अंदर जियो सिनेमा ने आईपीएल को दिखाया है डिजिटली, और डिजिटली दिखाने के लिए इन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया है किसी कस्टमर से। बता दूं मैं आपको कि 2-3 साल जियो सिनेमा ने बिल्कुल फ्री में दिखाया। वो इसलिए दिखाया क्योंकि जियो सिनेमा जो कि क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था, इस बेसिस पे उन्होंने आईपीएल को बिल्कुल फ्री में दिखाया। फ्री में इसलिए दिखाया ताकि इनके सर्वर पे कितना लोड पड़ रहा है, इनका सर्वर जो है संभाल पा रहा है नहीं संभाल पा रहा है, क्या ये 10-20-30 करोड़ लोगों को संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा, क्या बफरिंग होगी नहीं होगी, क्या इनका ऐप जो है वो क्रैश नहीं कर जाएगा, काफी ज्यादा टेस्टिंग के तौर पे इनको एक ऐसा फैन बेस चाहिए था जो कि इनके प्लेटफॉर्म को एक साथ में सारी पब्लिक आके लाइव देखे। जब लाइव देखेगी तो इतना ज्यादा ट्रैफिक होगा इस पे, तो इससे इनके ऐप के बारे में ये अंदाजा लग जाएगा कंपनी को कि हमारा ऐप कितने लोगों को संभाल सकता है। तो पिछले कुछ दिनों में जो मुकाबले हुए हैं उनमें 11 करोड़ लोग, 12 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग के आसपास भी गया है इनका रेशियो जो है लाइव का। तो कहीं ना कहीं जियो सिनेमा ऐप को टेस्ट किया जा चुका है। अब इसके बाद बारी आती है आपको पैसा चुकाने की। जो दाम रखा जाएगा वो लगभग 49 रुपए के आसपास रखा जाएगा, वो भी 3 महीने के लिए। स्टार्टिंग के तौर पर जो दाम रखा जाएगा वो लगभग 49 रुपए के आसपास ही रखा जाएगा। इससे पहले अगर हॉटस्टार की बात की जाए तो हॉटस्टार 149 रुपए ले रहा था 3 महीने के सब्सक्रिप्शन का। अब देखना यह है कि ये 2025 में ही हमें पैसा देना पड़ेगा या 2026 में, या कब ये अपने नए प्लान को रोल आउट करते हैं। तो जो भी जानकारी आएगी आने वाले दिनों में वो जानकारी मैं आपको पास लाके देने की कोशिश जरूर करूंगा।